मंत्री उदय सामंत ने बुधवार को नागपुर में पत्र परिषद लेकर राज्य की राजनीति पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस समय उन्होंने रश्मि पर्वे और लोकसभा सीटों को लेकर पत्रकारों से जानकारी साझा की। मंत्री उदय सामंत ने पत्र परिषद लेकर रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर बात करते हुए कहा कि रश्मि पर्वे मामले की साजिश यह कांग्रेस के नेताओं की देन है। उन्होंने आगे कहा कि रश्मि पर्वे का नामांकन पत्र जाति प्रमाण पत्र के कारण रद्द कर दिया गया। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि सब कुछ जानते हुए भी पार्टी की महिलाओं को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने यह साजिश रची है। काल आढावा घेत असताना अजून जे जाणीवपूर्वक आमच्या लक्षात आलं की रामटेकच्या जागेच्या संदर्भामध्ये प्रमाणपत्र जे रद्द झालेलं आहे महायुतीच्या समोरच्या उमेदवाराचं, काल पूर्ण त्या मतदारसंघाचा दौरा केल्यानंतर एक लक्षात आलं की हे पूर्णतः काँग्रेसनं केलेलं षडयंत्र आहे। एक महिला भगिनी उभी करायची, तिचं स्वतःचं सर्टिफिकेट आहे की नाही हे देखील राष्ट्रीय पक्षानं बघायचं नाही, तिला उभं करून तिचं प्रमाणपत्र रद्द होणार आहे हे माहिती असताना देखील निवडणुकीच्या प्रोसेसमध्ये त्यांना आणायचं आणि प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर त्याचं खापर विरोधकांवर फोडायचं ही एक स्ट्रॅटेजी करून काँग्रेसनं त्या महिला भगिनीचा आमच्या फॉर्म बाद केला। परंतु जी काल मला माहिती मिळाली, आपल्याला देखील माहिती असेल, माझ्यापेक्षा आपल्याला चांगला माहिती असेल की त्यांचा फॉर्म भरल्यानंतर तातडीनं एबी फॉर्म हा नागपूरमध्ये आलेला होता। तो कोणाकडे आला होता, तो काँग्रेसच्या कुठच्या आमदारांकडे होता, कुठच्या नेत्याकडे होता, हे माझ्यापेक्षा तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे। मग जर आपला उमेदवार हा डिस्क्वालिफाय होणार आहे माहीत होतं तर नाहक उमेदवाराची बदनामी करण्यासाठी निवडून येणं न येणं हा नंतरचा प्रश्न आहे। परंतु महिला भगिनीला आम्ही तिकीट दिलं आणि तिचं प्रमाणपत्र रद्द झालं याचं खापर विरोधकांवर फोडायचं ही रणनीती करून काँग्रेसनं जाणीवपूर्वक त्यांचा फॉर्म बाद होणार आहे माहीत असताना देखील त्यांना उमेदवारी दिली आणि उमेदवारी दिल्यानंतर देखील पर्यायी एबी फॉर्म हा नागपूरमध्ये त्यांनी तयार ठेवलेला होता। आणि हे मी सांगत नाही आहे, म्हणजे हे मी शिवसेनेचा किंवा महायुतीचा मंत्री आहे म्हणून मी काही सांगत नाही, परंतु काल लोकांकडनं जे मी ऐकलेलं आहे, विशेषतः महिला भगिनींकडनं जे मी ऐकलेलं आहे, त्यांनी मला स्पष्ट सांगितलं की हा एक कुटील डाव होता आणि तो काँग्रेसचा होता। परंतु ह्या सगळ्या गोष्टी घडल्यानंतर देखील वातावरण मात्र नक्की असं आहे की महायुतीचेच उमेदवार फार मोठ्या मताधिक्यानं विजयी होतील आणि फरक हा फार मोठा असेल। मला विशेषतः आपल्या साक्षीनं तुमाने साहेबांना देखील धन्यवाद दिले पाहिजे की पक्षाच्या आदेशासाठी आणि विशेषतः एकनाथ शिंदे साहेबांच्या सूचनेवरनं स्वतःला उमेदवारी नसताना देखील ते प्रचारामध्ये सक्रिय आहेत। त्यांची पूर्ण ताकद शिवसेना म्हणून महायुतीच्या मागे उभी आहे आणि म्हणून विदर्भातल्या सगळ्या जागांबद्दल बोलत असताना नागपूर शहराची जी जागा आहे, गडकरी साहेब ज्या ठिकाणी उभे आहेत, त्यांचा विजय तर निश्चित झालेला आहे। बाकीच्या जागा ज्या आहेत तिथं कुठेही अटीतटीची लढाई नाही, वन साईड महायुती त्या ठिकाणी जिंकणार आहे। परंतु उमेदवारांना बदनाम करणं, महायुतीला बदनाम करणं हा एकमेव कार्यक्रम काँग्रेस आणि त्यांच्या लोकांचा असल्यामुळं नाहक गैरसमज पसरवण्याचं काम या संपूर्ण भागामध्ये केलं जात आहे। त्याच्यामुळं कालचा रिव्ह्यू घेतल्यानंतर, काही ठिकाणी प्रचारसभेला गेल्यानंतर, काही ठिकाणी रॅलीमध्ये गेल्यानंतर, राजू पारवे जे शिवसेनेचे महायुतीचे उमेदवार आहेत हे नक्की लोकसभेमध्ये जातील याची खात्री आम्हाला नक्कीच आहे आणि उरलेल्या देखील। वही कृपाल तुमाने मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा की पार्टी में टिकट देने का फैसला वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करते हैं, यह फैसला भी सभी पार्टियों से चर्चा कर लिया गया है। नहीं नहीं, वो जो प्रमाण पत्र का जो केस चालू है वो सुप्रीम कोर्ट में चालू है और इनका जो था अभी ये जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ एमपी के लिए खारिज नहीं किया है, उनका जिला परिषद का भी मेंबरशिप जो था वहाँ का भी सर्टिफिकेट था वो भी खारिज किया गया है ना, तो ये होगा ये मालूम था। और राणा मैडम का जो केस चालू है वो सुप्रीम कोर्ट में चालू है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो कुछ होना है होगा। आपने कहा कि महायुति 10 सीट जीतने वाली है, आघाड़ी भी यही कह रही है कि 10 सीट जीतते हैं, तो क्या फायदा है, किस तरह से आप बोल रहे हैं कि 10 सीट? नहीं, आघाड़ी को ये बोलना ही चाहिए क्योंकि उनके पास जो एमएलए
अभी रुके हुए हैं, जो कार्यकर्ता है वो महायुति में न आए, उनको मॉरल सपोर्ट चाहिए, इसलिए वो बोल रहे, बाकी कुछ नहीं। सर, टिकट किसको देना चाहिए? पार्टी का नियम है, अपना नियम है, लेकिन दो बार से जो सांसद चुन कर आए, जो रन जिन्होंने जीता है, उनको छोड़ के बाहर से आए खेले व्यक्ति को देना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से ये पार्टी का निर्णय है। एकनाथ शिंदे साहब ने तुम्हारे साहब से बात करके लिया हुआ निर्णय है, तो उसके ऊपर अभी बात करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अलायंस का उम्मीदवार अभी डिक्लेयर हो गया है, उनका काम भी प्रचार प्रमुख करके तुम्हारे साहब कर रहे हैं। तो आपके मंत्रालय की बात करें तो बिजली का दर कम होना चाहिए उद्योगों की सहूलियत के लिए, 1 अप्रैल से रेट पूरी तरह बढ़ चुके हैं। नहीं, ये तो रेट बढ़ने का जो मामला है वो इंडस्ट्री में हम इंसेंटिव जो देते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी पे देते हैं, हम वाटर सब्सिडी पे देते हैं, लेकिन अभी कोड ऑफ कंडक्ट चालू है, आचार संहिता चालू है, उसके ऊपर बात करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इंसेंटिव में इलेक्ट्रिसिटी का सब्सिडी भी हम देते हैं। सर, इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए तो समिट तक नहीं है। कहाँ? विदर्भ की बात। पीएम मेगा पार्क जो हो गया है टेक्सटाइल, मेरे ख्याल से आचार संहिता लगने से पहले 15 दिन वहाँ उनका कॉन्फ्रेंस हो गया था, मैं खुद अपना होटल का नाम मालूम नहीं उसको, मैं कॉन्फ्रेंस के लिए आया था, जो CDCPR हमने डिक्लेयर किया उसका कॉन्फ्रेंस मैंने नागपुर में लिया था, उसके बाद जो अभी डिस्टलरी आ रही है 3000 कोटी की नागपुर में, तब मैं आया था। गढ़चिरौली में अभी स्टील इंडस्ट्री आ रही है 75,000 करोड़ की, उसके लिए मैं आया था। तो ऐसी कुछ बात नहीं है, खुद इंडस्ट्री मिनिस्टर करके ये 2 बरस में मैं खुद 8-10 बार नागपुर या विदर्भ में आया हूँ। हमने वो पूरी जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर दी है, एकनाथ शिंदे साहब शिवसेना के मुख्य नेता है, वो डिक्लेयर करेंगे। धन्यवाद। मी त्याचं एकच शॉर्ट मध्ये आपल्याला उत्तर सांगितलं की ज्या शिवसेनेमध्ये आम्ही काम करतो, ज्याची निशाणी धनुष्यबाण आहे, त्याचे सर्वे सर्वा वंदनीय बाळासाहेबांचा विचार घेऊन एकनाथ शिंदे साहेब, त्याच्यामुळे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात कुठेही पंचायत समिती असू दे, जिल्हा परिषद असू दे, आमदारकी असू दे किंवा खासदारकी असू दे, याचे सगळे निर्णय घेण्याचे अधिकार आम्ही सगळ्या आमदारांनी सगळ्या शिवसैनिकांनी एकनाथ शिंदे साहेबांना दिलेले आहेत, त्याच्यामुळे एकनाथ शिंदे साहेब जो निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य राहील। सर, आखरी सवाल, सर, आखरी सवाल, महाराष्ट्र की पूरी सीट कब तक डिक्लेअर होने वाली है? दो दिन में। सर, एक प्रश्न असा आहे, उपाल कुमारी साहेबांनी मी एवढंच या संदर्भामध्ये सांगतो की तुम्हाने साहेबांनी पक्षासाठी जी भूमिका घेतलेली आहे ती फुकट जाणार नाही, एवढंच या ठिकाणी सांगतो, आणि त्याचा त्यांना पश्चाताप होणार नाही। समन साहब, विकास के बारे में जब डबल इंजिन की सरकार हम बोलते हैं तो इंडस्ट्री में महाराष्ट्र को उसका क्या लाभ हुआ ये बताने का? मैंने बोला कि आचार संहिता है इसलिए उसके ऊपर बयान देना उचित नहीं है, लेकिन एक ही बात मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि 2 बरस पहले महाराष्ट्र फॉरेन इन्वेस्टमेंट में 2 नंबर पे या 3 नंबर पे था, आज 2 बरस में जो 3 महीने का सर्वे होता है, जो क्वार्टरली सर्वे होता है, उसमें 2 बरस महाराष्ट्र फॉरेन इन्वेस्टमेंट में 1 नंबर पे है और वो 25 साल अभी 1 नंबर पे ही रहेगा। हमने भर्ती शुरू की है, 2000 लोगों की भर्ती चालू है। सर, शिवसेना का घोषणा पत्र अलग रहेगा या बीजेपी के साथ रहेगा? सब साथ निकालेंगे। धन्यवाद। सावंत ने आखिर में कहा कि यवतमाल सीट पर कल शिवसेना उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। संजय राठौड़ कह रहे हैं कि अगर उन्हें शिवसैनिक के तौर पर नामांकन मिला तो वे लड़ेंगे, लेकिन फॉर्मूला तो तीनों नेता ही तय करेंगे। सावंत ने ये भी कहा कि यह एक अनुमान है कि तीनों नेताओं में से किसे चुना जाएगा। 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में तय किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ प्रकाश श्रृंखलवार की रिपोर्ट।